हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद द थर्ड पार्ट ऑफ आवर ड्रेनेज। सो अभी तक हम लोगों ने ड्रेनेज में क्या पढ़ा हुआ है कि ड्रेनेज क्या होता है, जब रिवर्स मूव करती है तो वो कौन से फीचर्स फ्रेम करती है ड्रेनेज के। अगर मैं इंडियन ड्रेनेज की बात करूँ तो जो रिवर्स है वो टू पार्ट्स में क्लासिफाइड है, हिमालयन एंड पेनिनसुलर। इन दोनों का मतलब क्या होता है और बहुत सारी बेसिक टर्म्स हमने पढ़ी, जैसे ड्रेनेज की डेफिनेशन हुई, वाटर डिवाइड, ट्रिब्यूटरीज वगैरह ना, बहुत सारी चीज़ें हमने बेसिकली अब इस चैप्टर के अंदर डील कर ली। तो अब हम लोगों ने ये भी समझ लिया था कि कुछ रिवर्स जो है वो हिमालयन रिवर्स कहलाती है और कुछ रिवर्स जो है वो पेनिनसुलर रिवर्स कहलाती है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, है ना। तो अब उन रिवर्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, बस थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिमालयन रिवर्स के साथ में। तो हिमालयन रिवर्स से बेटा आप स्टार्ट करो, सबसे पहले क्या चीज़ है, द मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, ठीक है। हमें हिमालयन रिवर्स के अंदर केवल थ्री रिवर्स पढ़नी है, वो कौन कौन सी है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दीज आर लॉन्ग। अब लॉन्ग से याद करो कि जब हमने हिमालयस के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि हिमालयस जो है वो मतलब लाइक मोस्ट रग्ड एंड लॉफ्टीस्ट पीक्स में से था। हिमालयस की जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है ना, बहुत हाइट पे होते हैं हिमालयस। तो इसी वजह से उनसे जो रिवर्स बेटा फ्रेम होती है, उनसे जो रिवर्स बनती है वो भी कैसी होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है। एंड आर जॉइंड बाय मेनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। और इसी वजह से मतलब जो वो रास्ते में जब वहाँ पे हिमालय से फ्लो करती आती है तो अपने साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को भी ज्वाइन करके आते हैं। तो हमें यही सारी चीज़ें पढ़नी है। अब ये मैप है हमारे पास मेजर रिवर्स, जो इंडिया में जो रिवर्स फ्लो कर रही है ना उनके बारे में। तो ये जैसे एक एक रिवर्स हम पढ़ेंगे उसके साथ हम इसको समझते जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट कर लेंगे इंडस के साथ में। हमें कौन कौन सी पढ़नी है हिमालयस में, याद करो वापस से, ठीक है। हमें कौन सी याद करनी है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, इंडस से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, अब बेटा आपको यहाँ से समझना है कि जो हमारा ये अब लाइक इसको आप यहाँ से समझो, इंडस की अगर मैं बात करूं तो उसका ओरिजिन होता है तिब्बत में। अब तिब्बत का यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा है चाइना, तिब्बत है ना। तो सबसे पहली पॉइंट ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखी है कि जो हमारी इंडस रिवर है वो कहाँ राइज हो रही है, तिब्बत में, नियर दी लेक मानसरोवर। अब इतना मैं आपको बता दूँ कि ये जैसे मानो तिब्बत है, तिब्बत में भी ईस्ट और वेस्ट डिरेक्शन है ना। तो जो हमारी इंडस रिवर है वो कहाँ से ओरिजिन हो रही है, वेस्ट में, ठीक है। तो वो वेस्ट में फ्लो करती जाएगी। अब यही चीज़ आपको याद रखनी है, जब गंगा की हम बात करेंगे तो गंगा जो है वो ईस्ट से फ्लो कर रही है, ईस्ट से निकल रही है, ईस्ट से ड्रेन हो रही है, इसलिए वो कहाँ मूव करती रहती है, ईस्टवर्ड। इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। वापस से बात बताओ मुझे, वापस से पॉइंट क्लियर कर लो, इंडस रिवर सिस्टम जो है वो कहाँ से अराइज हो रही है, तिब्बत से। और तिब्बत से जब अराइज होती है तो ये नियर लेक मानसरोवर होती है, मानसरोवर के भी वेस्ट में आ रही है, ठीक है। इट एंटर्स इंडिया इन लद्दाख। लद्दाख जो आप जानते हो, लद्दाख कहाँ पे आता है, ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगी, ये आ रहा है ना लद्दाख, यहाँ से रिवर सिस्टम हमारे इंडिया में ज्वाइन हो रही है। ओके, अच्छा एक और चीज़ पहले तो आप ध्यान दो, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंडस रिवर सिस्टम, है ना। अब ये इंडस रिवर सिस्टम मैंने लिखा है तो रिवर सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये भी वन वर्ड की डेफिनेशन में बहुत सी बार पूछी जाती है कि रिवर सिस्टम क्या होता है। तो रिवर सिस्टम का मतलब, एक जब रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ फ्लो करती है तो उस पूरे जो हमने ड्रेन जैसे बेसिन पढ़ा था ना, बस वही डेफिनेशन आपको भी याद करनी है। रिवर सिस्टम का मतलब होता है द मेन रिवर फ्लोइंग अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो जब हम इंडस की बात करेंगे, इट राइजेस फ्रॉम तिब्बत नियर द लेक मानसरोवर, इट एंटर्स इंडिया इन टू लद्दाख, ठीक है, फ्रॉम लद्दाख ही आती है। इट इज जॉइंड बाय द ट्रिब्यूटरी सच एज जस्कर, नूरबा, शेयोक एंड दी हुंजा। मतलब ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो इससे ज्वाइन कर रही है। अब इसको भी ट्रिब्यूटरीज को भी समझो, यहीं पे आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। सी आपको दिख रही है सारी ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चेनाब, रबी, सतलुज, इंडस, ये तो इसके इंपॉर्टेंट मेजर रिवर्स हैं, ठीक है। और भी बाकी दूसरी मैं रिवर्स की बात करूँ, कुछ छोटे छोटे रिवर्स जो है वो कौन कौन सी है हमारे पास, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हमने देखी है, जस्कर, नूरबा, शेयोक एंड हुंजा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो जब ये फर्दर फ्लो करती है बेटा तो ये बल्किस्तान एंड गिलगित में पहुंच जाती है, ठीक है। फिर वहाँ जाकर के दूसरी ट्रिब्यूटरीज से ज्वाइन होती है, सतलज, रबी, चेनाब। तो आप इसको कैसे समझोगे वो भी देखो, देखो अब यहाँ से देखो, ये लद्दाख में एंटर हुई, लद्दाख में एंटर होती है, वेस्टवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। अब आपको पता है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, है ना। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में हमने सबने सुना हुआ है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो पार्ट है वो, उस पार्ट का नाम क्या है, बल्तिस्तान और गिलगित,
ठीक है, इस एरिया में जाती है और रिवर वहाँ से किसके साथ ज्वाइन हो रही है, देखो बहुत आपको क्लियरली इस मैप में दिखेगा। फिर वहाँ पे कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज इसके साथ ज्वाइन हो रही है, झेलम, चेनब, रबी, सतलुज, इंडस। ये तो बहुत आगे, ये तो इंडस मेन रिवर है हमारी यहीं पर, सतलुज भी इसके आगे यहाँ पर ज्वाइन हो रही है, तब जाके यहाँ पे पाकिस्तान में जा करके ज्वाइन हुई। ये चीज़ आप यहाँ पर देखो, है ना। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ क्या समझना है कि जो इंडस रिवर है, पॉइंट्स देखो, हमें पॉइंट्स लिखना है, हमें जो कॉपी में एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा, हमें केवल पॉइंट्स लिखना है। तो सबसे पहले तो तिब्बत मानसरोवर हो गया, सेकंड लद्दाख में हो गया, और इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज के आप नाम बता दिए। सेकेंडली फ्लोइंग साउथवर्ड इंडस फाइनली ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। अब देखो अरेबियन सी में कैसे ड्रेन हुई, यहाँ पे जा रही है पाकिस्तान में फ्लो करेगी बाकी रिमेनिंग, और फिर ये कहाँ चली जाएगी, अरेबियन सी में चली जाएगी। तो बेटा इसकी लेंथ भी पूछ ली जाती है हमसे बहुत सी बार वन वर्ड में, तो आपको इसकी लेंथ भी याद रखनी कि इसकी टोटल लेंथ क्या है, 2900 किलोमीटर्स। अब बेटा अब इसमें मेजर आपको समझने वाली बात कौन सी है, यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है कि हम जो इंडस रिवर, अब देखो इंडस रिवर जो है वो मेन हमारे यहीं से फ्लो करके जा रही है ना, तो अब इंडस रिवर सिस्टम जो है वो उसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो केवल 1/3 पार्ट जो है वो हमारे इंडिया में रहता है, ठीक है, वो भी फ्लो करता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले स्टेट्स में, बाकी सारा का सारा जो वाटर है वो कहाँ ड्रेन हो जाता है, पाकिस्तान में। अब ये सब क्या है, क्यों आप तो बोल सकते हो ना कि मैम इतना भी अच्छी इतनी अच्छी कंट्री नहीं है पाकिस्तान, हम लोगों की तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है बिल्कुल पाकिस्तान से, तो हम पूरे रिवर को वहाँ क्यों फ्लो होने दे रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ बेटा इंडस वाटर ट्रीटी दैट वॉज साइंड इन 1960 बिटवीन द बोथ कंट्रीज। अब इसका इसके थ्रू क्या हुआ था, इंडस के थ्रू क्या हुआ था बेटा वहाँ पे पाकिस्तान में, मतलब उस टाइम पे उस ड्यूरेशन में ट्रीटी साइन हुई थी कि हम इंडिया में केवल जो ये वाटर फ्लो रहेगी, ये जो इंडस रिवर फ्लो रही है उसका हम केवल 20% ही यूज़ कर सकते हैं, बाकी सारे रिवर का वाटर जो है वो पाकिस्तान में चला जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि जस्ट बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जो ये लाइफ लाइन बोला जाता है इसको पाकिस्तान की, मतलब वहाँ के लोगों की ये बेसिक नीड हो जाती है, ओके, वहाँ मतलब अगर मैं बात करूँ तो लाइफ सोर्स की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर्स में से आ जाती है, दैट इज़ वाई। और भी फिर भी अगर आपको अभी तक इंडस नहीं समझ में आया हो कि मैम इंडस रिवर अभी तक क्लियर नहीं है, तो वापस से हम गो थ्रू करते हैं। देखो द फीचर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, है ना, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस, वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ एशिया विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर्स। ये अराइज होती है लेक मानसरोवर्स में, और फिर वहाँ से वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए ये एंटर कर जाती है लद्दाख में, हिमालयस को ये लीव कर देती है अटॉक में, और फिर उसके अंदर कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान, आई हैव टोल्ड यू दैट एरियाज ऑल्सो, राइट, ठीक है। तो ये बेटा डेल्टा भी बनाती है कराची में, और ये डेल्टा जो है जो फाइनली जो रिवर है वो कहाँ पर ड्रेन हो जाती है, यहाँ पे कराची में डेल्टा बनाने के बाद में कहाँ फाइनली ड्रेन हो जाती है, अरेबियन सी के अंदर ये ड्रेन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखो लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान हेल्प्स इन फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ दी पीपल, ये भी हम बात कर चुके हैं। और बेसिकली बेटा इंडिया एक ऐसी कंट्री रही है जो हमेशा अपनी नेबरिंग कंट्रीज को बहुत सपोर्ट करती है, चाहे उनका बिहेवियर कैसा हो, चाहे हम नेपाल की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, चाहे इधर से हम लोग बांग्लादेश की बात करें, इंडिया इज़ ऑलवेज बिंग हैज़ प्लेड अ वेरी सपोर्टिव रोल, और इसी सपोर्टिव रोल के थ्रू हम ह्यूमैनिटी शो करते हैं कि भाई अगर हमने ही उनको वाटर जो है वो पूरा रोक दिया तो मतलब वहाँ की जो मेजर ऑफ द पॉपुलेशन है वो काफ़ी सफ़र करेगी। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज की मैं बात करूँ तो जस्कर, नुब्रा, बरसत, झेलम, रवि, चेनब, सतलज, है ना, ये सारे एक्सेट्रा हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। तो ये सारी हम लोगों ने मेजर रिवर्स भी देख ली कि अब इसका जो है वो देखो वेस्टवर्ड इसको कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है और ईस्टवर्ड में इसको कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है, ओके। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली अगर तुमसे पूछ लिया जाता है कि इंडस रिवर सिस्टम को समझाओ तो तुम्हें उसमें से 5 to 6 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, बहुत ईजिली आप उसको पिकआउट कर सकते हो। और जो मेजर यहाँ पे फोकस हमें पढ़ने की ज़रूरत है वो है फ्रॉम वन वर्ड क्वेश्चंस के लिए भी, है ना, तो आप उस पर भी ध्यान दे लेना, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है देन यू कैन मेंशन इट इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू।